हाँ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का 10th से 11th में आने पर हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11th और 12th में काफ़ी सिलेबस में भी अंतर है और क्वेश्चंस में भी अंतर है, लेकिन जो छात्र शुरुआत से ही अपना एक्टिव रहेंगे और कोर्स को साथ के साथ करते रहेंगे तो उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी हम ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की यदि हम बात करें तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या है? जिसमें त्रिभुज की भुजाओं का मापन हो सके वह त्रिकोणमिति है। त्रिकोण तो त्रिभुज आ गया, मिति मतलब नापना, तो त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं का मापन हो सके वो त्रिकोणमिति होती है। और आप लोग जानते ही हैं कि त्रिकोणमिति का क्या क्या यूज होता है, ऊंचाई दूरी में यूज होता है। मान लीजिए आपको कोई चिमनी की ऊंचाई पता करनी है, टावर की ऊंचाई पता करनी है, तो इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंजीनियर्स के लिए ये ऊंचाई वगैरह निकालने के लिए बहुत अच्छी चीज है। अब त्रिकोणमिति से पहले जरा हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे कोण का मापन। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं जैसे ये आपका एक प्रारंभिक रेखा है, ये आपने एक प्रारंभिक भुजा ले ली, प्रारंभिक भुजा ली, और ये की आपने अंतिम भुजा ली। इसके बीच में कुछ कोण है, मान लीजिए ये, ठीक है। तो अब हम देखें तो अंतिम भुजा प्रारंभिक भुजा से यदि ऊपर की तरफ है, यानी घड़ी की दिशा के विपरीत है, तो इसका जो कोण होगा वो धनात्मक मापन होगा। कोण धनात्मक होगा, यानी कहने का मतलब है ये प्रारंभिक रेखा है, इसके यदि आप ऊपर गए तो कोण धनात्मक होगा। और देखें जरा, ये आपका जीरो बिंदु है, इसको हम शीर्ष बोलते हैं, ये शीर्ष है शीर्ष। अब ये आपकी है प्रारंभिक भुजा और ये है अंतिम भुजा। अब हम देख रहे हैं अंतिम भुजा प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष यदि देखा जाए तो हमें नीचे आना पड़ रहा है, तो नीचे आना पड़ रहा है मतलब कोण कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कोण ऋणात्मक होगा, यानी सब कुछ जो है वो प्रारंभिक रेखा है। प्रारंभिक रेखा के ऊपर कोण नापते हैं तो प्लस का होता है, नीचे नापते हैं तो माइनस का होता है। और जरा समझने का प्रयास करते हैं इसको। ये छोटी क्लासेज में आप सब लोग जैसे कोण बनाते आए हैं, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 30 डिग्री का कोण बनाइए, 30 डिग्री का कोण बनाएं, तो पहले 30 डिग्री के सामने प्लस लगा हुआ है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये तो शीर्ष है,
और ये है आपकी प्रारंभिक भुजा या प्रारंभिक रेखा, एक ही बात है। प्रारंभिक भुजा भी कह सकते हैं इसको, प्रारंभिक रेखा भी कह सकते हैं। तो ये प्रारंभिक भुजा या रेखा। अब इस भुजा से यहां प्लस का 30 है तो ऊपर की तरफ 30 ले जाना पड़ेगा आपको ऐसे। तो ये 30 लेने के बाद जो भुजा आपको मिली ये आपकी अंतिम भुजा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अंतिम भुजा यदि प्रारंभिक भुजा से इस शीर्ष के सापेक्ष घड़ी की दिशा के विपरीत है तो वो कोण धनात्मक होगा। अब मान लीजिए कोई आपसे कहे कि माइनस का 45 अंश का कोण बनाएं, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आपने एक प्रारंभिक रेखा खींच ली, ये प्रारंभिक रेखा या भुजा। तो प्रारंभिक रेखा या भुजा खींची, अब आपको माइनस का लेना है, तो माइनस का लेना है तो उल्टी दिशा में चलना पड़ेगा, यानी ऐसे। उसका एरो ऐसे, एरो ही बता रहा है कि आपको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो ये 30 हो गया और ये माइनस का 45 हो गया। तो प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा यदि ऊपर जा रही है तो कोण धनात्मक होगा, यदि नीचे आ रही है तो ऋणात्मक होगा। ये और देखें जरा, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 90 डिग्री का एंगल बनाइए, तो 0 ये ले लिया, ये प्रारंभिक रेखा ली, तो ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। ये प्रारंभिक रेखा या भुजा है, ये आपका अंतिम भुजा है या अंतिम रेखा है या भुजा, कुछ भी कह सकते हैं। अब धन 60 का है तो ऐसे इस साइड में जाएगा। अब मान लीजिए ऐसे ये लाइन है, अब मान लीजिए ऐसे है, तो ऐसे आ रहे हैं, अब हम तो ऐसे आ रहे हैं, तो ये तो प्रारंभिक रेखा है और ये आपकी अंतिम रेखा है, और कोण नापने के लिए हमें जाना पड़ा है, मतलब अंतिम रेखा या अंतिम भुजा प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष देखते हैं, यदि नीचे आना पड़ रहा है तो ऋण में होगा, तो ये जो कोण होगा वो माइनस का 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है प्रारंभिक रेखा ही इसमें डिसाइड कर दी है, यदि उससे आप ऊपर जा रहे हैं तो धनात्मक आएगा, नीचे आ रहे हैं तो ऋणात्मक होगा, ठीक है। और आगे देखें जरा, मान लीजिए आपको 135 डिग्री का कोण बनाना है, तो सबसे पहले तो आपने ये प्रारंभिक रेखा खींच दी, ओ ये मान लो, तो अब इसके सामने प्लस लगाए, तो प्लस लगाए तो ऐसे आना पड़ेगा आपको, ये 135 हो गया। ये मान लीजिए आपको माइनस का 120 डिग्री बनाना है, तो पहले तो ये प्रारंभिक रेखा खींचो OA, अब माइनस का 120 है, तो माइनस का 120 है तो यानी ऐसे नीचे आना पड़ेगा, तो यहां तक 90 हो गया और थोड़ा और बढ़ा दो तो ये आपका माइनस के 120 डिग्री हो गया, ये ठीक है। और देखें जरा, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री कैसे बनाएंगे? ये आपकी प्रारंभिक रेखा और 180 प्लस का है, तो प्लस का है तो यानी आपको ऐसे आना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री प्लस का, ये प्रारंभिक रेखा है, ये प्रारंभिक रेखा या भुजा है, ये अंतिम रेखा या भुजा है। तो ये अंतिम रेखा जो है प्रारंभिक की तुलना में ऐसे घूम जाना पड़ा, तो माइनस का 180 हो तो क्या करेंगे, ये तो आपकी प्रारंभिक रेखा ही है, लेकिन पहले कोण आप ऐसे लाए थे, अभी कोण आपको ऐसे लाना है,
यानी अब ये वाला जो कोण होगा वो माइनस का 180 डिग्री होगा, क्योंकि प्रारंभिक रेखा से आप ऐसे घूम के आए हैं और ऐसे घूम के आए थे तो प्लस में आ गए थे। अब मान लीजिए आपको प्लस का 210 डिग्री बनाना है, तो पहले ये प्रारंभिक रेखा खींच ली आपने, अब 210, तो 210 और वो भी प्लस का, तो ऐसे होता है 180 तो और 30 और बढ़ाना पड़ेगा, तो ये कोण आपका हो गया 210 डिग्री। ठीक है, अब मान लीजिए आपको माइनस का 240 बनाना है, माइनस का 240 डिग्री है, तो माइनस का 240 कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आपने ये प्रारंभिक रेखा खींच दी, ठीक है, तो अब 240 में पहले तो ऐसे आ जाए तो 180 हो गया और 60 और चाहिए, यानी कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, तो ये हो गया माइनस का 240 डिग्री। यदि ऐसे घूम के आता कौन तो प्लस का होता, ऐसे जा रहा है इसलिए माइनस का होगा। अब मान लीजिए आपको माइनस का 300 डिग्री बनाना है, तो माइनस के 300 में क्या करना पड़ेगा, ये ओ है ये ए है, तो पहले ऐसे आया 90, ऐसे 180, 270 और 30 और लगभग, तो अब आपका ऐसे कोण घूमेगा ये, तो इसके सामने लिखेंगे माइनस 300 डिग्री। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए प्लस के 315 डिग्री, प्लस के 315 डिग्री को देखें हम, तो सबसे पहले तो ये आपने लाइन खींच ली, तो अब आप देखिए यहां तक हो गया 90, यहां तक हो गया 180, यहां तक हो गया 270, अब 270 के बाद 45 और बचा, यानी ये यहां आधा और ले लेगा, ठीक है, अब ये प्लस का है इसलिए आपको ऊपर घूम के आना है ऐसे, तो ये प्लस का 315 डिग्री, ये प्लस का 315 डिग्री हुआ, यदि ये माइनस का होता तो उल्टा चलता, देखें जरा माइनस का 315 डिग्री देखना हो हमें, मान लीजिए माइनस का 315 डिग्री तो कैसे दिखाओगे, ये लाइन तो प्रारंभिक लाइन हो गई, ठीक है, ये 90 हो गया, 180 हो गया, 210 हो गया, ये आपका ऐसे कहीं चला जाएगा। अब माइनस का है तो आपको कोण का मापन ऐसे करना पड़ेगा, तो माइनस के 315 डिग्री ये हो गया। अब मान लीजिए आपको 420 डिग्री का लेना हो, तो अब आप सबको पता है कि ये पूरा का पूरा राउंड, एक पूरा का पूरा राउंड 360 का होता है, 360 के बाद इस 420 को देखें तो 360 प्लस 60, अच्छा प्लस का वैसे है तो प्लस का है तो ऐसे घूमना पड़ेगा आपको, तो ये घूम गए तो 360 तो यही हो गया, 360 के बाद 60 और बचा, तो अभी 60 और देख लीजिए जरा, तो ये इस तरीके से हमने लिया, तो ये पूरा का पूरा जो कोण हुआ वो 420 डिग्री हो गया। ये आपकी प्रारंभिक रेखा है या प्रारंभिक भुजा है और ये आपकी अंतिम भुजा है, अंतिम भुजा कहिए या अंतिम रेखा कहिए, और देखें जरा, मान लीजिए अब आपका क्वेश्चन है कि माइनस के 450 डिग्री, माइनस के 450 डिग्री, तो सबसे पहले तो ये प्रारंभिक रेखा खींच दी आपने, ठीक है, अब माइनस है तो उल्टा चलना है, तो पहले तो माइनस लगा लो, 360 प्लस 90, तो उल्टा चलेंगे तो 360, तो ये कंप्लीट हो गया 360, अब 90 और चाहिए तो 90 कैसे आएगा यहां, तो इसको बढ़ा के ले आइए, तो ये हो गया आपका, देखिए हम ऐसे नापे हैं, यदि कोण घड़ी की दिशा में चलता है तो कोण ऋणात्मक होता है, घड़ी की दिशा के विपरीत चलता है तो धनात्मक चलता है, तो ऐसे चल के आए तो 360 तो यही हो गया और 90 और तो माइनस के 450 डिग्री ये आ गया।
तो कहने का मतलब यह है कि यदि प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष कोण यदि घड़ी की दिशा में चल रहा है तो वो नेगेटिव कोण होगा, यानी ऋणात्मक कोण कहलाएगा, और यदि वो घड़ी की दिशा के विपरीत चल रहा है तो वो कोण धनात्मक होगा। कोण देखें जरा, जैसे मान लीजिए हमें दिया है 750 डिग्री, तो 750 में 360 के दो राउंड घूम जाएंगे, तो 360 में दो का गुणा किया तो 720 हुआ, फिर भी 30 बच गया। तो देखें जरा, सबसे पहले ये प्रारंभिक रेखा ले ली, तो पहले 360 का एक राउंड घूम गया, फिर दूसरा राउंड घूमे तो 720 हो गया, अब 30 और बचा तो 30 और ले लीजिए। तो ये जो आया आपका, ये यहाँ पे आकर ये एरो ही बताता है कि आप क्लॉकवाइज हो कि एंटी क्लॉकवाइज हो, या घड़ी की दिशा में हो या घड़ी की दिशा के विपरीत हो। आपका धनात्मक कोण है इसलिए आपको घड़ी की दिशा के विपरीत जाना है, और इस कोण को आप कहीं भी लिख सकते हैं। 750 डिग्री लिख दिया आपने इसको, और लीजिए जरा, मान लीजिए 870 डिग्री लेना है हमें माइनस का, तो पहले तो माइनस लगाइए 360 इंटू 2, 720 हो गया, प्लस 150 डिग्री। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करिए, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब 360 के दो राउंड घूमने, माइनस है तो ऐसे घूमना, प्लस है तो ऐसे घूमना है, तो माइनस लगाए तो एक राउंड घूमा 360 हो गया, फिर दूसरा राउंड घूमा 720 हो गया, अब 150 और करना है, तो देखो यहां तक आ गया 90, अभी कितना और बचा 60 और बचा, तो इस तरीके से कुछ आया। तो ये जो कोण आपका लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा -870 डिग्री, ठीक है। तो आप कोण कैसा घुमा रहे हैं, यदि ऋणात्मक है नीचे ले जाइए घड़ी की दिशा में घुमाते जाइए, कोण तो देखो एक राउंड घूम गया 360 आ गया, फिर दूसरा राउंड घूम गया 360 720 हो गया, फिर 150 भी तो लाना, 150 के लिए 90 तो यहां तक आ गया, यहां से यहां तक 90 हो गया, फिर 60 और बचा तो 60 और ले लिया हमने। तो ये लगभग आइडिया से देख रहे हैं, एग्जैक्ट नाप के देखने की कोई जरूरत नहीं है। और देखें जरा, मान लीजिए 1125 डिग्री है, इसके सामने प्लस लगाया, तो 360 से ऊपर जो भी होगा उसको 360 के पदों में जरूर ब्रेक करना है, तो 360 गुणा 3, तो 360 गुणा 3 करेंगे तो 1080 हो गया, उसके बाद आपका 45 और बचा 45 डिग्री। अच्छा, इसके सामने प्लस लगा हुआ है, तो सबसे पहले आपने ये प्रारंभिक रेखा खींच दी, ये सीड से आपका ये प्रारंभिक रेखा है या भुजा है, ठीक है। अब आपको 360 के तीन राउंड लेने हैं, एक राउंड ले दिया 360 हो गया, प्लस लगाए तो ऐसे घूम रहे हैं, फिर दूसरा राउंड लिया अभी तो 720 हुआ, एक राउंड और ले दिया 1080 हो गया, अब 45 और बचा तो 45 इतना होगा लगभग, तो ये आपने ऐसे मिला दिया। तो ये प्रारंभिक रेखा है, ये सीड्स है, और ये अंतिम रेखा है। जब अंतिम रेखा प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष घड़ी की दिशा के विपरीत हो तो कोण धनात्मक होता है। यदि अंतिम रेखा प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष घड़ी की दिशा में चले तो वो कोण
ऋणात्मक होता है। ठीक है, और थोड़ा आगे चलना चाहें तो चल सकते हैं। मान लीजिए माइनस का 930 डिग्री है, तो माइनस को अलग छोड़ दीजिए। अब 930 को तोड़ें, तो 930 को तोड़ें तो 360 के दो राउंड 720 हो गया। 720 के बाद कितना बचा? 720 के बाद बचा 210। तो देखें जरा, सबसे पहले आप ये शीर्ष ले लीजिए, ये प्रारंभिक रेखा ले लीजिए या प्रारंभिक भुजा ले लीजिए, ये एरो बना दिया इसे। अभी माइनस साइन क्या कह रहा है कि आप उल्टी दिशा में घूमिए और 360 के पहले दो राउंड कंप्लीट कर लीजिए। एक राउंड कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया, तो अभी तो यहां तक हुआ है। अब 210 और बच गया, तो 210 के लिए आपको पता है कि यहां तक आते आते 180 होगा और 10 और 30 और बढ़ा दीजिए, इस तरीके से ये आ गया आपका। तो इस पे कहीं भी आप यहां यहां कहीं भी लिख सकते हैं कि माइनस के 930 डिग्री, यहां लिख दीजिए, यहां 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 ये जो राउंड से घूम रहे हैं इनमें कहीं भी रख दीजिए। ये प्रारंभिक रेखा है, ये सीड्स है और ये अंतिम रेखा है। जब अंतिम रेखा प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष यदि घड़ी की दिशा में है तो कोण ऋणात्मक होता है। ठीक है, और जरा देखें, मान लीजिए कोण है 1470 डिग्री, प्लस का है तो प्लस तो लगा रहेगा, तो 360 गुणा 4, तो 360 गुणा 4 करें तो 1440 आ गया, फिर 30 और बच गया। इसका मतलब क्या है? चार राउंड आपको कंप्लीट करने और प्लस लगाए तो घड़ी की दिशा के विपरीत चलना। एक राउंड कर दिया कंप्लीट, 360 हो गया, फिर एक और राउंड कर दिया, 360 पहले हो गया था, अब 360 हो गया तो 720 हो गया, फिर एक तीसरा राउंड ये हो गया 1080, ये हो गया आपका 1440। 1440 तो ये इतना ही हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 1440 आएगा, और उसके बाद 30 और बचा तो 30 कोण अलग हो गया, ऐसा होता है ये। अब जो आपका 1470 आया उसको आप यहां यहां कहीं भी इस जो गोल वाला है इसके ऊपर लिख दीजिए, ये आपका कोण का मापन हो गया। ये आपका शीर्ष है, ये आपकी प्रारंभिक रेखा है, ये आपकी अंतिम रेखा है। इस प्रकार से आप किसी भी कोण का मापन कर सकते हैं। कुछ कोण हैं जिनको आप घर ही बनाएं तो अच्छा है, 330 डिग्री, 390 डिग्री, माइनस के 570 डिग्री, चौथा है माइनस के 1530 डिग्री। दो हजार दस डिग्री प्लस का, फिर देखें 3930 डिग्री। सातवां देखें, 3810 डिग्री। एट्थ देखें, माइनस के 210 डिग्री, माइनस के
450 डिग्री माइनस के माइनस के 970 डिग्री माइनस के 2100 डिग्री माइनस के 315 डिग्री। इन सभी एंगल्स को आप बनाएं। बस केवल और केवल आपको क्या ध्यान रखना है, यदि प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा है तो प्रारंभिक रेखा से ऊपर घूम जाइए, प्लस लगा है तो, और माइनस लगा है तो नीचे घूम जाइए। बस इतना सा ध्यान रखिए और इन कोणों को आप बनाइए, पहले सीखिए फिर बनाइए। निम्न कोणों को बनाए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।